अगर इनको जमीन चाहिए, मैं आपके चैनल से बोल रहा हूँ, अगर जमीन चाहिए, जमीन हमारे पास ओल्ड कोर्ट है, यहाँ पे हमारे पास डीसी ऑफिस में 2-3 कनाल जमीन है, हमारे पास एसपी ऑफिस में 6 कनाल जमीन है, हमारे पास डीसी ऑफिस में 6 कनाल जमीन है, हमारे पास ट्रांसपोर्ट, क्यों ये डेलिब्रेटली बस स्टैंड में जाके गरीबों के पेट पर लात मार रहे हैं? क्या ये सारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं? आज की बात नहीं, हम पहले से कह रहे हैं मर्चेंट पार्किंग बनाना है, प्रोजेक्ट बनाने हैं, लेकिन लोगों के रोजगार के साथ नहीं खेलना है, लोगों को बेरोजगार नहीं करना है। पहले ही बेरोजगारों का हम बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, अब ये बचत कर रहे, काम कर रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, 5-6 लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मर्जी को कार पार्किंग आपने बनाने हैं, दूसरी जगह और ये है हमारे पास, उन जगहों पर बनाइए, लेकिन जान बूझ के ये प्रॉपर्टी को जिन लोगों को बेरोजगार करने के लिए उसी जगह पे पार्किंग कर रहे हैं। मल्टी स्टोरी कार पार्किंग जो लगातार इनिशिएटिव जो है पिछले 2 सालों से जो है लिया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि डोडा के बस स्टैंड में जो है मल्टी स्टोरी कार पार्किंग जो है बनेगा, लेकिन तब से लेके अभी तक ना ही कोई अड्डे वाले, ना ही कोई सोशल एक्टिविस्ट जो है अभी तक बाहर आए थे, लेकिन अब जब मल्टी स्टोरी कार पार्किंग जो है ग्राउंड पे बनने जा रहा है, काम लगने वाला है, उस सब को लेके अब जितने भी बस स्टैंड के या जितने भी अड्डे वाले हैं वो आज प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनके साथ जुड़े हैं, क्या कुछ मामला है जानने की कोशिश करेंगे, उन्हीं से बातचीत करेंगे अगर अभी तक क्यों वो जागे नहीं थे, क्यों वो जो है अब जब काम लगने वाला है फिर वो ग्राउंड पे जो है आ रहे हैं। तो आपने देखा जो है लगातार जो है प्रोटेस्ट चल रहा है और मल्टी स्टोरी जो है बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, मल्टी स्टोरी कार पार्किंग जो है नहीं बनना चाहिए, लेकिन जब से ये इनिशिएटिव जो लिया है अभी तक कोई भी बाहर नहीं, वो ग्राउंड पे काम होना चाहिए, जो जो डेवलपमेंट के जितने खोखले हैं ये ग्राउंड पे एडजस्ट नहीं करते हैं। गवर्नमेंट का आज एक ही दौर है कि नौजवानों को रिश्वत किया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जाए, अगर जब एम्प्लॉयमेंट की बात अगर आती है तो इस वक्त हमारे पास और भी कई जगहें हैं जहां पे ये मल्टी पार्किंग स्टोरी बननी चाहिए, यह फर्स्ट में ही क्यों बननी चाहिए, जब वो रास्ता मेडिकल कॉलेज की तरफ जाता है, आने वाले कल में जहां पे बस स्टैंड डोडा में 10 गाड़ियां लगती थी 200 गाड़ियां लगती हैं, आने वाले कल में मुझे बताओ आप क्या मेडिकल कॉलेज के लिए कोई एक्सेस रहेगी, क्या हमारा ऑटो वाला, गाड़ी वाला, टैक्सी वाला वो कहां जाएगा, उनको क्या ये डोडा शिफ्ट करेंगे, ये मल्टी पार्किंग का जो क्या कहते हैं ढकोसला है, लोग इसकी मजम्मत करते हैं, लोग इसकी मजम्मत करते हैं, नौजवान इसकी मजम्मत करते हैं, हमारे खुसूसी जो रेडी वाला तबका है, निचला तबका है, उन लोगों के पेट पर लात लग रही है, अगर इनको जमीन चाहिए, मैं आपके चैनल से बोल रहा हूँ, अगर जमीन चाहिए, जमीन हमारे पास ओल्ड कोर्ट है, यहाँ पे हमारे पास डीसी ऑफिस में 2-3 कनाल जमीन है, हमारे पास एसपी ऑफिस में 6 कनाल जमीन है, हमारे पास डीसी ऑफिस में 6 कनाल जमीन है, हमारे पास ट्रांसपोर्ट, क्यों ये डेलिब्रेटली बस स्टैंड में जाके गरीबों के पेट पर लात मार रहे हैं? क्या ये सारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं? ये डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट मतलब होता है लोगों को खुश करो, डेवलपमेंट तरक्की हो, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी भाई आगे बोलो, हम तुम्हारे साथ हैं, भाई आगे बोलो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन 2 साल तक कोई नहीं लिया, चंद मखसूस लोगों को वहां पे बुला के डिस्कस किया और अड्डे का ये किया, अगर ये सारे लोगों ने आम एम स्ट्रीम में लोगों में जाके किया होता तो शायद लोगों ने इस चीज की कंजेक्ट नहीं दी। हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, ये नौजवान बेरोजगार नहीं होने चाहिए, तो वहां पर डिटेन किया जाए, बाकी जो जमीन का मसला है वो दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जाए, स्थिति में आज का जो वहां पे किया जाए ताकि सांप भी मरे और लाठी देखे, वो वहां डिसाइड करेगा कि आने वाले कल में हम क्या करें। अगर हमें आज किसी सामने साइलेंट पेशेंट थी तो हम आगे कुछ नहीं करेंगे, अगर नहीं तो हम प्रोटेस्ट करेंगे।
चाहता था इम्प्रूवमेंट हो जाए, लेकिन परसों ये बताया गया कि ट्रांसपोर्ट हटा दिया गया। अब ट्रांसपोर्ट उठा के डालेंगे यहाँ पे, देखिए हमें कहा के आप लाइन में लगा लो जी जी, यहाँ से नीचे यहाँ से गाड़ियाँ लगाओ घंटाघर से। भैया ये लोग कहाँ जाएंगे, गरीब लोग हैं हमारे, लेडी है, बड़ी है, ट्रांसपोर्टर है, जिनने इतना लोन निकाला है उठा के कहाँ डालेंगे हम हम चाहते हैं कि अगर आप ऐसे हम पे कोई कानून को बजाए हमारा ट्रांसपोर्ट, हमारी किस्तें कौन देगा? अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ आगे क्या कुछ कदम लिए जाएंगे? देखो इंशाल्लाह, अगर देखो हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, आज की बात नहीं, हम पहले से कह रहे हैं मल्टी पार्किंग बनाना है, प्रोजेक्ट बनाने हैं, लेकिन लोगों के रोजगार के साथ नहीं खेला, लोगों को बेरोजगार नहीं करना है। पहले ही बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अब ये बच्चे बेचारे काम कर रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, उनको 500 को बेरोजगार कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मल्टी कार पार्किंग आपने बनानी है, और हमारे पास उन जगहों पर बनाइए, लेकिन जान बूझ के ये प्रॉपर्टी को जिन लोगों को बेरोजगार करने के लिए उसी जगह पे आयोजन कर रहे हैं। कम से कम 600 कुंभे बेरोजगार हो रहे हैं, ये यहाँ से उठ जाएंगे तो कहाँ पे कारोबार करेंगे, कहाँ जाएंगे? कोई कारोबार नहीं है, कोई रोजगार नहीं है यहाँ पर, बेंगलुरु के अलावा और कोई कारोबार है ही नहीं। आप बताइए, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई और कुछ, या तो मुलाजमत करनी है या तो दुकानदारी करनी है। दुकानदारी में भी ये बेचारे रेडी पे हैं, रेडी पे काम कर रहे हैं, अगर ये यहाँ से उठ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ये 600 लोग कहाँ जाएंगे? ये यहाँ के आस पास पूरे इलाके के लोग हैं। देखो हमें तो ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि ये लोग दान करते हैं जिनको बेरोजगार करने के लिए कार्य कर रहे हैं, ये जानबूझ के कार्य। यहाँ पर म्यूनिसिपलिटी काउंसिल है, काउंसिल ने सारा मेंबर की काउंसिल सारा के सारा मेंबरों ने ईरानी को लिख के दिया है कि इस जगह पे ये प्रोजेक्ट बंद बनाओ। यहाँ का जो बस स्टैंड है या जो यहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो बेरोजगार आ जाएंगे, हम आपको जगह दे देंगे। सताराम इमरू ने रिजर्वेशन बना के डी साहब को दिया है, लेकिन डी साहब फिर भी नहीं चल रहे हैं आगे, आगे तो आपने देख लिया क्या कुछ कहना था। अब देखना ये है क्या इस कदम को वापस नहीं लिया गया तो क्या होगा, लेकिन जो अभी तक जितने भी बस स्टैंड के लोग हैं, जितने भी सोशल एक्टिव मल्टी स्टोरी कार पार्किंग का प्रोजेक्ट है शुरू होने वाला था, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो है कहा जा रहा है, ये है क्या कुछ कदम आगे।